सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीवो की तरफ से और एक नई स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है दोस्तों वीवो T3 अल्ट्रा। हालांकि दोस्तों वीवो ने हाल ही में लॉन्च किया था वीवो T3 प्रो को। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों वीवो T3 अल्ट्रा के बारे में, कम्प्लीट स्पेक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, इसकी क्या कुछ प्राइसिंग होगी, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप क्या करो, वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीवो T3 अल्ट्रा के सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 6.7 इंच का 3D कर्व डिस्प्ले दिया गया दोस्तों। वहीं पर 120 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया दोस्तों। 1200x2800 पिक्सल का रेजुलेशन है। 4500 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई दोस्तों। वहीं पर ATR 10+ सपोर्ट करता है। एंड अगर इस स्मार्टफोन के कलर के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में टोटल दो कलर है दोस्तों, लंजर ग्रे एंड फ्रॉस्ट ग्रीन दिया गया दोस्तों। एंड अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वीवो T3 प्रो में दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर था, जिसका अंतोदय स्कोर 7 लाख+ निकल कर आता था दोस्तों। वहीं पर वीवो T3 अल्ट्रा में MediaTek Dimensity 9200 का प्लस 4 नैनोमीटर वाला 5G प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के हिसाब से इसमें आप लोगों को काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया दोस्तों। एंड IP68 का भी रेटिंग दिया गया दोस्तों। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है दोस्तों। डुअल स्टोरेज स्पीकर का भी सपोर्ट दिया गया दोस्तों। एंड अगर कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को रियर कैमरा डुअल कैमरा का सेटअप है, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX921 का OIS कैमरा दिया गया दोस्तों। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है दोस्तों। वहीं पर 16 MP का सेल्फी शूटर दिया गया दोस्तों। LPDDR5X का रैम टाइप दिया गया दोस्तों। वहीं पर UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है। एंड अगर बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वीवो T3 अल्ट्रा में 5500 mAh की बड़ी वाली बैटरी दी गई दोस्तों। वहीं पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। वहीं पर दोस्तों वीवो T3 प्रो में 5500 mAh का बैटरी दिया गया दोस्तों, उसमें भी यहाँ पर आप लोगों को 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिला था। तो दोस्तों, बैटरी दोनों स्मार्टफोन में सेम दिया गया दोस्तों। एंड अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो वीवो T3 अल्ट्रा बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड अगर प्राइस के बारे में बात करें तो वीवो T3 प्रो का प्राइस था दोस्तों 8GB+128GB का प्राइस था दोस्तों 25,000। वहीं पर दोस्तों वीवो T3 अल्ट्रा का प्राइस है दोस्तों 8GB+128GB का प्राइस है दोस्तों 31,000। वहीं पर 8GB+256GB का प्राइस है दोस्तों 33,000। वहीं पर 12GB+256GB का प्राइस है दोस्तों 35,000। तो दोस्तों, प्राइस के हिसाब से यहां पर आप लोगों को वीवो T3 प्रो का प्राइस है दोस्तों 25,000। वहीं पर वीवो T3 अल्ट्रा का प्राइस है दोस्तों 31,000। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों 6,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों को प्रोसेसर ज्यादा दिया गया दोस्तों। एंड डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर सेम दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जैसे कि 6.7 इंच का। वहीं पर दोस्तों, उसमें भी 5500 mAh की बैटरी है, 18 वाट का चार्जर। और इसमें भी दोस्तों 5500 mAh का बैटरी दिया गया दोस्तों, 18 वाट का चार्जर। तो दोस्तों, यहां पर अगर आपका बजट 25 से लेकर 30,000 के अंदर है तो आप इस फोन को वीवो T3 अल्ट्रा को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बात बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डिजाइन वगैरह बहुत ही मस्त दिया गया दोस्तों। एंड प्रोसेसर भी यहाँ पर आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना यार।